पूरा गोभी के फूल जैसा, गुच्छे जैसा लदा हुआ है पूरा एकदम। देखो पेड़ की मतलब डाली भी झुक गई है फूल से। बसंत ऋतु चल रहा है ना इस समय। ऊपर देखो, पूरा ऊपर तक चला हुआ है। हाँ इवन वहां भी उस साइड है, पीछे भी। कितना खूबसूरत लग रहा है देखो। कौन सा फूल है? तो पूरा लदा ही हुआ है, अब बसंत की पहचान है। ये भी एक ये भी पार्क ही है जहाँ पे बेंच वेंच सब बना हुआ है। वो पीछे भी देखो, वहां भी लगे हुए हैं, लाइंस हैं। इस जगह पे काफी टाइम के बाद आ रही हूँ इस एरिया में। हाँ You and I got this in Hawaii, I oh I got this in Hawaii, in Hawaii, I ah hola 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 पत्ते कितने ग्रीन है और कितने बड़े वाले पत्ते हैं कि एक एक पत्ते में आदमी खाना खा ले आराम से। पत्ते का साइज देखो, केला तो नहीं है कुछ। देखो एक पत्ते का साइज इतना बड़ा है, पत्ते है। इसमें आदमी दाल चावल सब्जी आराम से खा लेगा, इतना बड़ा साइज का पत्ता है एक ही पत्ते में। उधर चलो ना, उधर उधर उस साइड में बड़े एकदम फ्रेश 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 चीजें आई है। हाँ एकदम नए पत्ते, हाँ पूरे पत्ते निकल गए, आप सिर्फ फूल फूल आए हैं। नए पत्ते एकदम जो क्या बोलते हैं पैरट ग्रीन होता है ना वैसा, धूप की रोशनी से जो फ्रंट कैमरा है थोड़ा सा ब्लर जैसा आ रहा है। इधर देखो पिंकिश पिंक डार्क मैजेंटा। इसके अंदर भी वॉकिंग ट्रैक बने हुए हैं, ये भी पार्क है छोटा सा। पत्ते पूरे गिरे हुए हैं और ये पेड़ ऐसा है कि पत्ते पूरे गिर जाने के बाद इस तरीके से फूल आते हैं। आप लोगों को शायद वाइट दिख रहे होंगे बट ये बहुत ही लाइट पिंक और वाइट कलर में भी हैं। और ऊपर चांद भी दिख रहा होगा, उस साइड चांद दिख रहा है। तो कितने फूल आए हुए हैं, पत्ते गिर गए लेकिन फूल ही फूल हैं। तो आज बहुत टाइम के बाद मैं अपने इस सोसाइटी का बैक साइड है मतलब एंड एरिया, और इस बाउंड्री के बाहर तो जंगल जंगल एरिया है। जंगल क्या मतलब लेक भी है, एक बहुत बड़ा लेक भी है यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत एकदम काफ़ी कलरफुल फूल आए हैं। बसंत का समय चल रहा है, होली भी नज़दीक आ रही है, आज 1 मार्च हो गया। और हम लोग डेली रूटीन को फॉलो करते हुए निकल आए हैं बाहर। हाँ और यहाँ कुछ काम भी चल रहा है, सोसाइटी के कुछ स्टाफ हैं, कुछ काम चल रही है यहाँ पे।
सारा कचरा वहाँ इकट्ठा होता है और वहाँ से डेली बाहर। यहाँ कुछ काम चल रहा है, तो ये है सोसाइटी का बैक एरिया, बैक साइड। आज हम लोग दूसरे रूट से होते हुए, दूसरे रास्ते से होते हुए जा रहे हैं, जहां हम लोग डेली जाके 2-3 राउंड लेने के बाद हम लोग डेली जाके एक जगह बैठ जाते हैं। बच्चे को प्रैम से भी उतार देती हूँ मैं, वो भी खेल लेता है। और यहाँ से सबसे अच्छी बात कि हमेशा प्लेन जाती हुई दिखती है, पास में ही एयरपोर्ट है, तो हम लोग काफ़ी नज़दीक हैं एयरपोर्ट से। आई थिंक 30-35 मिनट्स के डिस्टेंस है यहाँ से। तो ये रूट है प्लेन के आने जाने का। मेरे पीछे के वाले रास्ते से मैं आज वॉक करते हुए आ रही हूँ, काफ़ी दिनों बाद उस जगह पे गई मैं। और काफ़ी चिड़ियों की आवाज़ भी सुनाई देती है, ख़ासतौर पे यहाँ तोते बहुत दिखते हैं। पूरा एरिया तो कबूतरों से ही भरा हुआ, कबूतर तो बहुत है हमारे सोसाइटी में, बहुत दिखते हैं, बट बाकी दूसरी चिड़िया भी बहुत दिखती हैं यहाँ पे। तो एज़ यूज़ुअल मैं अपने सेम जगह पे चली आई हूँ। अभी अच्छी खासी धूप है, तो मैं सोच रही हूँ एक राउंड और ले लूँ, उसके बाद यहाँ आऊँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सारे पेड़ों में नए पत्ते आ गए, जो पैरट ग्रीन, बड़ा अच्छा ये कलर, बड़ा अच्छा लगता है ग्रीन ग्रीन। बच्चे को तो नीचे उतार दो, नीचे उतारने के लिए तब से वो हो रहा है, उतारो, परेशान हो रहा है बेचारा, फ्री होने के लिए, आजाद होने के लिए। देखेगा प्लेन को तो बुलाएगा ना, वो यही तो काम है उसका, अपने खिलौने को बुलाता है। किकली छोड़ दो, छोड़ चला रहा, छोड़ दो शुरू हो गया। पहले प्रैम इसको घुमाता है, बाद में ये प्रैम को घुमाता है। किकली अब वो उसको घुमा रहा है। चुटकू की देख के, अभी काफी कम लोग हैं इसलिए कि अभी अच्छी खासी धूप है यहाँ पे। तो शाम को 4 बजे ये सो के उठा, तो 4 बजे के बाद की जो रूटीन है वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। 4 बजे के बाद मैं, मतलब, एक तरफ चाय बैठाती हूँ थोड़ा, बट आज मैंने चाय नहीं पिया आज। मैं रोज़ एक ग्लास दूध पीती हूँ मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट, बट आज दूध नहीं पिया था, सो चाय के बदले आज मैंने दूध पी लिया और सिर्फ इनके लिए चाय बनाया। ये चाय पिए के आए, पीछे धूप आ रही है तो कैमरा एकदम ब्लर हो रहा है। हाँ, इस तरह सही है। उसके बाद से इसका खाना बनाया, फिर इसको खिलाया। हाँ, उसके बाद इसको खाना खिलाने के बाद फिर मैं नीचे लेके आ गई हूँ। अब वापस मैं 7 बजे वापस घर जाऊंगी, इसको लेके 2 घंटे ये खेल लेगा। तो
उसके बाद ये अपना दूध वगैरह पिएगा, दूध पीने के बाद वापस से एक घंटे बाद ये फिर खाना खाएगा। करीबन 8:30 के आसपास फिर खाना खिलाऊंगी इसको, और 8:30 के बाद मैं फिर 10:30 खाना खिलाऊंगी, और हम लोग 9 या 9:30 तक हम लोग अपना डिनर करते हैं। तो ये मेरा होता है शाम का रूटीन, शाम से लेके रात तक का। उसके बाद मैक्स टू मैक्स हम लोग बच्चा मेरा 11:30 तक सो जाता है, मतलब सोता तो बहुत लेट में है लेकिन सुलाने की कोशिश करती हूँ कि 11:30 तक ये सो जाए। तो ज़्यादातर ये 11:30 तक या 11:45 तक सो जाता है, और हम लोगों को सोते सोते काफ़ी लेट हो जाती है, तो हम लोगों का कम से कम 12-12:30 ऐसे बज जाते हैं रात के, या कभी कभी तो एक भी बज जाता है। वो डिपेंड करता है कि बच्चा कब सो रहा है, उसके अकॉर्डिंग। तो ये हमारा रूटीन। उसके बाद फिर सुबह का जो कार्यक्रम है वो रोज़, देखो तुम्हारा प्लेन आ रहा है, देखो बुलाओ तुम्हारा फ्रेंड आ रहा है, बुलाओ बुलाओ कि हाँ बुला रहा, प्लेन को बुला रहा है, बुलाओ बुलाओ। इसका प्रैम हटा दो, वो प्रैम को ही चलाने में बिजी है कि बुलाओ कि आजा प्लेन आजा प्लेन आजा। इसको वॉकर घुमा ले। वो वॉकर घुरा घुला मतलब घुमाने में ही बिजी है। उधर तो उधर गड्ढा है देखना। ये काफी ना आने पे बहुत सुकून सा लगता है, मतलब यहाँ आने के बाद एक तो लगता है ना कि सच में मतलब ऐसी जगह पे यहाँ बड़ा शांति लगता है, एकदम खुली खुली एकदम ताजी ताजी हवा, चिड़ियों की खूब सारी आवाज़, वहाँ आता जाता प्लेन दिखता है, ऊपर से इतना ओपन स्पेस। आजा जूम करो, जूम करो ना, ये सब दिखा दिए। प्रेम नहीं छोड़ेगा अपना, घूमने दो घूमने दो। जाओ घुमा, देखो दादी आई है, देखो चलो बैठ गए हम। बोलो बोले तुम लास्ट जहाँ दिवाली मनाया जाता वहाँ पे मैंने बोला कि पटाखे वगैरह पीछे हाँ नो क्या देख रहे हो ये क्या है ये नहीं है देखो 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 देखो
धीरे धीरे धीरे।